अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बनाएंगे अफ़गानी पनीर। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने पनीर ली हूँ, इसे हम कट कर लेंगे। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्चा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच तेल, धनिया की पत्ती, ये सब डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा ज़ीरा, स्लाइस्ड ऑनियन, सॉफ्ट होने तक हम इसे कुक करेंगे। उसके बाद लहसुन और अदरक और मिर्ची, ये भी डाल के हम इसे अच्छे से चला लेंगे। तो थोड़ा ठंडा होने देंगे इसे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तो यहाँ पे हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा भीगा हुआ काजू और धनिया की पत्ती, ये सब डाल के हम इसे पीस लेंगे। आप देख सकते हैं पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका है और ये अच्छे से पिस चुका है। तो जो मिक्सचर तैयार हुआ था उसके अंदर हम 2 चम्मच दही और सारे स्पाइसेस डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर तैयार है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल फिर से ले लेंगे, इसके अंदर तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची, लौंग, ये सब डाल के, और ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया था ये भी डाल के हम इसे अच्छे से चला लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे ताकि जो मिक्सचर है वो अच्छे से भुन जाए। इसे चला लेंगे। तो लीड को ढक के हम इसे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तो आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है, इसे चला लेंगे। तो ऑयल ऊपर आ चुका है तो अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। इसे ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाल देंगे। आपके पास क्रीम ना हो तो फिर कोई बात नहीं, मत डालें। इसे डाल के हम इसे अच्छे से चला लेंगे। इसमें कसूरी मेथी थोड़ा सा डाल देंगे। कसूरी मेथी इसलिए डाला गया है क्योंकि ये टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर देता है, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं अफगानी पनीर अब रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। थैंक यू।